वेलकम माय वेरी वेरी प्रीशियस वर्गोस, कैसे हैं आप सब? आई रियली होप एंड आई रियली विश कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे वर्गोस। और जो लोग भी नए हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि एग्जैक्टली हम इस रीडिंग में क्या करते हैं। तो ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। इस रीडिंग में सबसे पहले हम ये देखते हैं, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, जिनके लिए फीलिंग्स रखते हैं, जिनके साथ में आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, जिन पे आप क्रश कर रहे हैं, यू नो, सो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्सन किस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं वर्गोस, और किस एनर्जी को एम्बॉडी कर रहे हैं, इनकी लाइफ में क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद हम आपसे रिलेटेड कार्ड्स निकालेंगे वर्गोस, कि ये आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपके टूवर्ड्स क्या एक्शन ले सकते हैं, और यू नो, किस एनर्जी को आप दोनों मिलके कौन सी एनर्जी को बर्थ दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे फ्यूचर में क्या हो सकता है वगैरह वगैरह। और वर्गोस, अप्रैल की आपकी लव लाइफ और करियर रीडिंग में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आपने अगर देखी नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, या फिर आप चैनल पर डायरेक्टली जाके भी देख सकते हैं, ओके। और चलिए शुरू करते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा वर्गोस, कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, तो शायद आप रिलेट करें, शायद आप रिलेट ना करें। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, ओके। ये सारी रीडिंग्स मैं बनाती हूँ जिससे कि आपको हेल्प मिल सके, गाइडेंस मिल सके और डायरेक्शन मिल सके। आपको परेशान करने का या ट्रिगर करने का मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं होता है, तो अगर मैं कुछ ऐसी बात बोलती हूँ जो अच्छी नहीं लगती है तो उसे रिलीज कर दें, ओके। सो ओवरऑल लाइफ में क्या चल रहा है आपके पर्सन के? यहाँ पे पैसों से रिलेटेड काफ़ी कुछ एनर्जीज दिख रही हैं आपके पर्सन की लाइफ में, और ऐसा समझ में आ रहा है पैसों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और करियर पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, और पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फोर ऑफ ऑटम्स जो है वो बहुत ज़्यादा पैसों पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना, पैसे कमाने की कोशिश करना, पैसों को इन्वेस्ट करना, और इन सारी चीज़ों के बारे में बताता है। और हमें से ये पता चल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा अपने करियर पे फोकस्ड हैं और कुछ बड़ा अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं करियर में। कई बार फोर ऑफ ऑटम्स तब भी आता है जब आपके पर्सन ने कोई नई जॉब ज्वाइन की होती है, या फिर करने वाले होते हैं, या फिर कोई नया काम शुरू करने वाले होते हैं। तो फोर ऑफ ऑटम्स बहुत ज़्यादा फोकस करियर पे बताता है वर्गोस, तो वो यहाँ पे हमें दिख रहा है। उसके बाद एस ऑफ स्प्रिंग्स है। एस ऑफ स्प्रिंग का जो कार्ड है वर्गोस, वो अगेन कुछ नई बिगनिंग्स बताता है, कुछ पैशनेट बिगनिंग बताता है, और बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड कार्ड होता है ये। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, या फिर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं किसी गोल को अचीव करने के लिए, और बहुत ही अच्छी ये गो गेटर की एनर्जी है कि मुझे करना ही है, ये चीज़ मुझे हासिल करनी है, और उस पर मुझे मेहनत करना है, मुझे बहुत सारी एनर्जी लगाना है यहाँ पे। तो अगेन फायर दिख रहा है यहाँ पे, जो कि बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है और पैशनेट है अपने काम के लिए। अगेन काम से रिलेटेड यहाँ पे एनर्जीज दिख रही हैं, करियर से रिलेटेड दिख रही हैं। उसके बाद में द सन है यहाँ पे वर्गोस। द सन बता रहा है कि इनकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। सन इज़ द हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द डेक वर्गोस, जो कि बहुत सारा अबंडेंस, खुशियाँ, पॉजिटिविटी बताता है। तो इस महीने या फिर अगले महीने, क्योंकि ये एनर्जी हम एक से दो महीने के लिए करते हैं, रीडिंग हम एक से दो महीने के लिए करते हैं, तो ये एनर्जीज़ एक दो महीने तक वैलिड होती है। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ इनकी लाइफ में आ रही हैं, और बहुत ही पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहने वाले, मोटिवेटेड स्टेट ऑफ माइंड में रहने वाले। यहाँ पे प्रिंस ऑफ ऑटम्स भी है। अगेन एक कार्ड आया है करियर से रिलेटेड वर्गोस। अगेन यहाँ पे दिख रहा है कि करियर में कुछ नया सीख रहे हैं, या फिर कुछ नया काम कर रहे हैं। कई बार प्रिंस ऑफ ऑटम्स उन लोगों के लिए भी आता है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत बार ये कार्ड आता है। फिर दूसरी चीज़ है, ये कार्ड तब आता है अडल्ट्स के लिए जब वो लोग कुछ नई स्किल सीख रहे होते हैं, अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, जिम जा रहे होते हैं, यू नो। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा भी करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, या तो कोई क्लासेस ले रहे हैं,
कुछ नए स्किल्स सीख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, खुद के इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दे रहे हैं. आई टेक वन मोर कार्ड. ओ माई गॉड, अगेन अ कार्ड ऑफ पेंटिकल. एट ऑफ पेंटिकल आया है यहाँ पे, जो कि एक्सट्रीम हार्ड वर्क बताता है. इस पर्सन की एनर्जी बहुत ही अमेजिंग दिख रही है, बहुत अमेजिंग दिख रही है वर्गोस. ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा अचीव करेंगे ये, बिकॉज ये मेहनत कर रहे हैं, फोकस्ड हैं, मोटिवेटेड हैं, इंस्पायर्ड हैं अपनी लाइफ को एक बेहतर जगह पे ले जाने के लिए. अब देखते हैं, आपसे रिलेटेड कार्ड्स देखते हैं कि आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या इमोशंस रखते हैं वर्गोस ये आपके लिए, और आपको किस एनर्जी में देखते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं. ओके यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड अस क्लियरली. ना आई एम सॉरी अगर ऑडियो आपको थोड़ा कम आज दिख रहा हो, बिकॉज वर्गोज़ अगर आप रेगुलर चैनल देखते हैं तो आपको पता चल गया होगा कि मैंने सेटअप थोड़ा चेंज किया है. और आपकी फर्स्ट रीडिंग है जिसमें मैं इस वाले ट्राईपॉड से ये रीडिंग बना रही हूँ, और मुझे माइक अभी भी फिगर आउट करना है प्रॉपरली. मुझे पता नहीं है कि ऑडियो कैसे आएगी. सो अगर कुछ प्रॉब्लम होती है ऑडियो में तो प्लीज़ आज के लिए मैनेज कर लेना. सो यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल दोबारा से आया है. देखिए, फोर ऑफ पेंटिकल के नीचे एक और फोर ऑफ पेंटिकल आया है, और उसके बाद जस्टिस आया है, और उसके बाद है टू ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वांड्स, द हैंग्ड मैन. आई टेक वन मोर कार्ड, और उसके बाद है किंग ऑफ पेंटिकल. अगेन एक और पेंटिकल है यहाँ पे. देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन. सबसे पहले तो यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एनर्जीज दिख रही है वर्गोस अभी की, वो है जस्टिस की एनर्जी. ये एक मेजर अरकाना है और यहाँ पे आके बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता रहा है. सबसे पहली चीज़ ये है कि आप दोनों के पास्ट लाइफ कुछ कनेक्शंस हैं, और जस्टिस आना मतलब कर्मास को रीपे करना या स्केल को बैलेंस करना होता है. तो बहुत सारी चीज़ें जो अभी आपके इस पर्सन के साथ में चल रही है, जैसे कि अगर ये आपको हर्ट कर रहे हैं, या फिर आप इन्हें हर्ट कर रहे हैं, या फिर अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में आ रही है, तो वो बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ कर्मास से रिलेटेड है वर्गोस. तो आप लोग एक दूसरे के साथ में अपनी स्केल को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे. सो कुछ चीज़ें अच्छी हो रही होंगी, कुछ चीज़ें थोड़ी पेनफुल हो रही होंगी, बट यहाँ पे कुछ एक्सट्रीम इमोशंस दिख रहे हैं जो आपके पर्सन आपको फील करवा रहे हैं. ये एक्सट्रीम इमोशन एक्सट्रीम लव के हो सकते हैं, एक्सट्रीम इरिटेशन के हो सकते हैं, यू नो एक्सट्रीम फिज़िकल अट्रैक्शन के हो सकते हैं. तो कुछ एक्सट्रीम आपके इमोशंस हैं इस पर्सन के लिए. मतलब आप बहुत ज़्यादा या तो ऑब्सेस्ड हैं इनसे, बहुत ज़्यादा या तो फीलिंग्स रखते हैं आप इनके लिए, और आप बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं कि आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं. और ये भी वही चीज़ करते हुए दिख रहे हैं. एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे बहुत ही अजीब दिख रही है, वो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, और आपको जो अपने अंदर इम्प्रूव करना है चीज़ें, उन चीज़ों को लेके ये पर्सन आपको ट्रिगर कर रहा है. इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा. जैसे कि अगर आप में पेशेंस कम है, तो ये पर्सन बार बार ऐसी चीज़ें करेगा जिससे कि आपका पेशेंस टेस्ट होगा, यू नो. तो अगर आप में पेशेंस कम है और ये पर्सन आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है, और आप परेशान हो रहे हैं कि इसने अभी तक मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, मुझसे बात नहीं की, मेरे मैसेजेस नहीं देखे, तो ये पर्सन जो आपको ट्रिगर कर रहा है ना, ये इसीलिए कर रहा है कि आप पेशेंस का लेसन लर्न कर सके. आप समझ रहे हो, ये बहुत ही डीप बात है. और अक्सर जो रोमांटिक कनेक्शंस होते हैं, हमें मजबूर करते हैं कि हम अपने ऊपर काम करें या फिर अपने ट्रिगर्स पे काम करें. तो जो भी कुछ अभी आप दोनों के बीच में चल रहा है, उसका बहुत ही हायर पर्पस मुझे यहाँ पे दिख रहा है. फॉर श्योर आप लोगों के पास लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे को लेसन सिखा रहे हैं किसी तरीके के यहाँ पे. और यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल भी है वर्गोस. फोर ऑफ पेंटिकल यहाँ पे बता रहा है कि कुछ बातें हुई हैं रिसेंटली. सबसे पहले तो ये पर्सन इस कनेक्शन को लेट गो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता है.
मुझे नहीं पता आप इस कनेक्शन के कौन से स्टेज पे हैं, क्या आपकी बातें हो रही है या फिर नहीं हो रही है या फिर क्या चल रहा है, अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्लियर नहीं है। बट फोर ऑफ पेंटिकल से समझ में आ रहा है कि पर्सन आपको लेट गो नहीं करना चाहता है एट एनी कॉस्ट। तो हो सकता है कि आप दोनों का कनेक्शन अप्स एंड डाउन से गुजर रहा हो, बट ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहता है बिल्कुल भी आपकी एनर्जी को। तो यहाँ पे आप दोनों का बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है, ये पर्सन आपको लेट गो भी नहीं करेगा बट एट द सेम टाइम आपको ट्रिगर भी करेगा। ओके वर्गोस, उसके बाद यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड इनडिसाइसिवनेस होता है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आना, समझ में नहीं आना कि कौन सा डिसीजन हमें लेना है, किस रास्ते पे हमें चलना है। कई बार ये कार्ड कन्फ्यूजन के टाइम पे आता है, जब आपके और आपके रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन हो रहे होते हैं, आपके पर्सन को समझ में नहीं आता है कि हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है, क्या मुझे इस पर्सन से शादी करनी है, क्या इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है। ये बहुत ही इन एंड आउट की एनर्जी है और ये वैसी एनर्जी है कि कोई पर्सन थोड़ी इमेच्योरिटी से लाइफ के डिसीजंस ले रहा है। बिकॉज आप अगर इस कार्ड को देखोगे तो इस पर्सन के यहाँ पे आँख पे पट्टी बंधी हुई है और ये आँख बंद करके अपना निशाना मार रहा है। मतलब इस पर्सन का कोई विजन नहीं है, इसकी लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं है, या फिर थोड़ी सी फॉर सम रीज़न इमेच्योरिटी है। तो यहाँ पे पुअर डिसीजन मेकिंग दिख रही है इस पर्सन की साइड से इस कनेक्शन में। और यहाँ पे उसके बाद आया है कार्ड किंग ऑफ वांस का। किंग ऑफ वांस में अगर ये पर्सन आपको देखते हैं तो ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, आपको ये फायर की तरह देख रहे हैं। मतलब इस कनेक्शन में बहुत सारा ड्रामा है, बहुत सारा पैशन है, एडवेंचर है, बॉन्डिंग है, एट द सेम टाइम टॉक्सिसिटी भी है। तो जितना ही आप दोनों मुझे कनेक्टेड दिख रहे हैं, कार्मिकली कनेक्टेड दिख रहे हैं, अब कार्मिकली का मतलब ये मत समझना कि ये एक कार्मिक पार्टनर है मेरा, मैं ऐसा बोल रही हूँ, नहीं। आपके सोलमेट के साथ भी आपके कर्मास जुड़े होते हैं फॉर श्योर, बिकॉज वो आपका सोलमेट है। अगर आपने पिछला जन्म किसी इंसान के साथ बिताया है तो ऑब्वियसली आपके उसके साथ कर्मास जुड़े हुए होंगे। तो यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी है जो कि अगेन बहुत सारा ड्रामा बता रही है, आपकी लव स्टोरी में अप्स एंड डाउन्स आएंगे और थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट होगा। एट द सेम टाइम बहुत कुछ एडवेंचरस भी होगा आप दोनों के बीच में इस महीने में और अगले महीने में वर्गोस। तो यहाँ पे बहुत सारा एडवेंचर दिख रहा है और काफ़ी कुछ अप्स एंड डाउन्स दिख रहा है। प्लस ये पर्सन आपको किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी में देख रहा है, तो इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत ही बोल्ड हैं वर्गोस, आपके मन में जो आता है वो आप बोल देते हैं, झिझकते नहीं हैं, आप अपने राइट के लिए स्टैंड करते हैं और आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। तो ये सारी चीज़ें ये पर्सन इन सारी इमोशंस में आपको देख रहा है अभी। उसके बाद द हैंगमैन है। द हैंगमैन आपके लिए फ़ील करना या फिर इस कनेक्शन के लिए फ़ील करना मतलब कि ऐसा महसूस करना कि कनेक्शन कहीं अटक गया है या फिर रुका हुआ है। तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में स्टकनेस की एनर्जी दिख रही है वर्गोस, काफ़ी स्टक हैं आप। ये पर्सन कहीं पे फंसा हुआ है ऐसा लग रहा है लाइफ में या फिर इस कनेक्शन में किसी। और मुझे स्पेशली देखिए जो द हैंगमैन होता है ये बहुत ज़्यादा रियल प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा सबकॉन्शियस लेवल की ब्लॉकेजेस होते हैं। जैसे कि अगर इस पर्सन की लाइफ में पास्ट में ऐसे कुछ कनेक्शंस रहे हैं जो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, रोमांटिक कनेक्शन, तो हो सकता है वो कनेक्शंस की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये आप पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, या फिर किसी तरीके का डर हो, किसी रीज़न से ये स्टक हैं और आगे नहीं बढ़ रहे हैं। देखिए द हैंगमैन सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस और ट्रॉमास बताता है कि बिकॉज यहाँ पे ये पर्सन है, इसके पैर पे ताले बंधे हुए हैं, हाथ पे ताले बंधे हुए हैं, बट एट द सेम टाइम इस पर्सन के हाथ में चाबी भी है इसको खोलने की। तो अगर ये चाहे तो ये खोल भी सकता है, बट इसको लग रहा है कि ये अटका हुआ है, बट ये एक्चुअली में पर्सन अटका हुआ नहीं है, ये स्टक नहीं है। ये चाहे तो अपने ट्रॉमास को हील करके, अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को हील करके इस कनेक्शन में आगे बढ़ सकता है। तो थोड़ा सा इस पर्सन को समझदारी की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, थोड़ी समझदारी लाना मुझे ऐसा लग रहा है। बट एक्चुअली कुछ लोगों के लिए ये
जो एनर्जी है ये ऐसी भी हो सकती है कि एक्चुअली मैं कुछ लाइफ में ऐसी चीज़ें हों जिसके कारण ये आपके टूवर्ड्स आगे नहीं बढ़ रहे हों वर्गोज, राइट। एंड उसके बाद हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया। देखिए कितनी ज़्यादा आयरोनिक और कॉन्ट्रडिक्ट्री एनर्जी है यहाँ पे। किंग ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे, और किंग ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि ये आपके साथ में स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, मतलब ये आपको लेट गो भी नहीं करेंगे, थोड़े ये पर्सन आपको थोड़े टाइम तक कंफ्यूज रखेगा वर्गोस, ठीक है। इस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर्ड रहें, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल है। किंग ऑफ पेंटिकल बहुत ही स्टेबल किंग होता है, ये जहाँ पे बैठ जाता है जिस पर्सन के साथ में इसका कनेक्शन शुरू हो जाता है फिर लॉन्ग टर्म कनेक्शन चलता है। पर ये किंग ऑफ पेंटिकल कई बार बहुत ज़्यादा ड्रामा भी करता है कनेक्शंस में, तो वो ड्रामा किसी भी टाइप का हो सकता है, लाइक इनडिसाइसिवनेस जो यहाँ पे हमने देखी थी, या फिर कुछ पास्ट के ट्रॉमास की वजह से सही डिसीजन मेकिंग ना कर पाना। बट उप्स, ओके। सो या सो ये पर्सन आपके साथ में लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं, बट शायद आपको इनकी एटीट्यूड से और इनकी बातों से अभी ऐसा नहीं लग रहा होगा। चलिए और एक्शन से रिलेटेड देखते हैं कि एक्शन क्या ले सकते हैं और क्या चीज़ें हो सकती हैं। लेट्स सी। वी हैव सेवन ऑफ सोर्ड्स, ओके, फाइव ऑफ वांड्स, सिक्स ऑफ कप्स, ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस एंड द वर्ल्ड, ओके, वाओ। सबसे पहले तो देखें यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड कई बार तब आता है जब हमने बहुत टाइम से अच्छे से बात नहीं की होती है, बहुत टाइम से हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होते हैं, और उसके बाद ये पर्सन वापस से हमसे बात करने आता है, हमें अपना प्यार दिखाता है और हमें बहुत ही पॉजिटिव सी फीलिंग्स और इमोशंस शो करता है, ओके। तो ये चीज़ होते हुए दिख रही है, बट उसके पहले दो चीज़ें होते हुए दिख रही हैं। फर्स्ट चीज़ ये है कि अभी ऐसा समझ में आ रहा है कि पर्सन अपनी पूरी फीलिंग्स आपको नहीं बता रहे हैं, सारा सच आपसे नहीं बोल रहे हैं, आपके या तो कॉल्स को इग्नोर कर रहे हैं या फिर आपके मैसेजेस को इग्नोर कर रहे हैं। अभी मेरे ख्याल से आप दोनों की बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो रही होंगी, और बातें हो भी रही होंगी तो आपको ऐसा लग रहा होगा वर्गोस कि ये पर्सन मुझे एग्जैक्टली बता नहीं रहा है कि इसके मन में क्या चल रहा है, क्या प्लानिंग कर रहा है, ये फ्यूचर क्या है हमारे कनेक्शन का। तो ये वैसी वाली एनर्जी है, थोड़ी सी ऐसी एनर्जी कि हम किसी चीज, मतलब आप अगर क्वेश्चन पूछ भी रहे हो कि तुम्हें मेरे साथ रहना है या नहीं रहना है, तो यहाँ पे पर्सन अभी क्लियरली आंसर नहीं देने वाला है वर्गोस। और उसके बाद में फाइव ऑफ वांड्स की एनर्जी है। फाइव ऑफ वांड्स की एनर्जी थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी होती है, जो कि आप दोनों की कॉन्फ्लिक्ट को बता रही है, जो कि आप दोनों की आपस में हो रहे आर्ग्यूमेंट्स को बता रही है। तो यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं। और उसके बाद में फिर आप लोग वापस से बात करते हुए और अच्छे से बात करते हुए दिख रहे हो। तो पहले ऐसा होगा कि शायद आप लोगों की अच्छे से बात नहीं होगी, उसके बाद आप लोग अच्छे से बात करना वापस से शुरू कर दोगे। अभी देखिए यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल भी है। आप में से कुछ लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे होंगे इस पर्सन के कारण, बिकॉज हो सकता है पर्सन अचानक से आपकी लाइफ से डिसअपेयर हो गया हो, या फिर आप इन पे बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो और ये पर्सन आपको ऐसे ही अकेला छोड़ के चला गया हो। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है जिसके कारण आप अकेलापन फील कर रहे हैं। और उसके बाद में द हाई प्रीस्टेस है और द वर्ल्ड है, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्ड्स हैं वर्गोस आपके लिए। बिकॉज पहले तो आपकी ओवरऑल लाइफ की एनर्जी देख के मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि आपके जो पर्सन है वो अब बहुत ज़्यादा अपने करियर पे फोकस्ड है और बहुत ज़्यादा पैसे कमाने में फोकस्ड है, और कुछ ट्रॉमास हैं या फिर इनको किसी चीज़ की हीलिंग की ज़रूरत है, बिकॉज जिस तरीके से ये बिहेव करते हैं अपनी लाइफ
लाइफ में डिसीजंस ले रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है, और इसीलिए आप लोग के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और ये ओपनली आपको बताते भी नहीं है इनके मन में क्या चल रहा है, इसीलिए आप अकेलापन भी महसूस करते हैं। बट ये जो दोनों कार्ड है, द हाई प्रीस्टेस और द वर्ल्ड, द हाई प्रीस्टेस से समझ में आ रहा है कि इस पर्सन को कुछ बहुत ही डीप रियलाइजेशंस हो सकते हैं कमिंग मंथ्स में या फिर डेज में। हाई प्रीस्टेस कार्ड का मतलब होता है कि हमें पता चल रहा है कि हमारी सोल के लिए क्या सही है, हमारी लाइफ के लिए क्या सही है, वो मैसेजेस हमें कहीं ना कहीं से मिल रहे हैं, हमारा इंट्यूशन दे रहा है या फिर यूनिवर्स दे रहा है या जिस भी एनर्जी में ये पर्सन बिलीव रखते हैं। तो हाई प्रीस्टेस कई बार ये रियलाइजेशन भी बताता है कि इस पर्सन को रियलाइज हो गया है कि आप दोनों का कनेक्शन है, कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है या फिर आप दोनों सोलमेट्स हैं। तो हाई प्रीस्टेस कई बार सीक्रेटिव होना भी बताता है, इट्स लाइक के आपके लिए फील कर रहे हैं बट आपसे सारी बात शेयर नहीं कर रहे हैं, आपको सारी बात बता नहीं रहे। यहाँ पे बहुत ही अलग अलग टाइप के इमोशंस है इस पर्सन के, एंड नो डाउट आपने टफ टाइम देखा होगा इस कनेक्शन में, अभी भी देख रहे होंगे। बट यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है, जो भी क्योस है, जो भी परेशानियाँ हैं इस कनेक्शन में वो जाते हुए दिख रही है। अब मुझे नहीं पता किस तरीके से जा रही है, पर जिस तरीके से भी जा रही है ना, यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस देख के ये समझ में आ रहा है कि यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है, आपका इंट्यूशन आपकी हेल्प कर रहा है, जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हो वो एनर्जी आपकी हेल्प कर रही है आपको गाइडेंस देने के लिए और सही रास्ता दिखाने के लिए, और इस पर्सन को भी गाइड करने की कोशिश कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो इतना सारा कियोस आपकी लव लाइफ में दिख रहा है वो ख़त्म होगा बहुत ही जल्दी, एटलीस्ट आपको डायरेक्शन मिल जाएगा कि आपकी लव लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है या फिर कहाँ पर स्टैंड करने वाली है इस पर्सन के साथ में एक या दो महीने में। इवन दो मैं ट्राई करूँगी कि हमें एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम दिख सके कि किस टाइम पे ये चीज़ें सुधरेंगी, बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही हैं इस महीने मुझे। अब ये देखते हैं कि यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए और क्या गाइडेंस है, शायद हमें कुछ और हिंट्स मिल जाए, कुछ और बातें पता चल जाए। सो यूनिवर्स प्लीज़ शो अस क्लियरली। इट्स अप टू यू, ओके, रिकवरी अ ईयर फ्रॉम नाउ, ओके। देखिए पहले तो अब बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करिए यूनिवर्स को कि हम जो बातें करते हैं उससे कितने रिलेटेड ओरेकल्स निकलते हैं। आपको नहीं लगता ये कितना मैजिकल है? मैम मतलब मैं कई बार टैरो रीडिंग देख के खुद ही शॉक्ड हो जाती हूँ कि हमें मतलब जो रीडिंग चल रही थी, जो बातें हम कर रहे थे, एकदम उसी से रिलेटेड कार्ड्स आए हैं। सबसे पहला कार्ड ये है कि इट्स अप टू यू। तो इट्स अप टू यू का कार्ड आपको ये बोलना चाहता है वर्गोस कि अगर ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है और आप इमोशनली ड्रेन फील कर रहे हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस पर्सन के सुधरने का, इस कनेक्शन के सुधरने का वेट करें या फिर ना करें। इट्स अप टू यू, ये आपके हाथ में है कि आपको इसी रास्ते पे चलना है पेशेंस के साथ में या फिर आपको रास्ता चेंज करना है, ये आपके हाथों में है। यहाँ पे रिकवरी का कार्ड है, रिकवरी का कार्ड ये बता रहा है कि चीज़ें सुधरेंगी, जैसा हम अभी डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे चीज़ें आप दोनों के बीच में सुधरते हुए दिख रही हैं, बट अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस कनेक्शन को आगे लेके जाना चाहते हैं या फिर नहीं जाना चाहते हैं। और उसके बाद अ ईयर फ्रॉम नाव का कार्ड आया है, अ ईयर फ्रॉम नाव। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कनेक्शन कब स्टेबल होगा, चीज़ें कब सुधरेंगी, सब कुछ कब ठीक होगा, तो एक साल के बाद या एक साल के अंदर हो सकता है, बट आई थिंक इट्स टू, मतलब अगर आप शादी का सोच रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का सोच रहे हैं तो हो सकता है एक साल लग जाए। और या अगर आप नॉर्मली पूछ रहे हैं कि मेरी किसी के भी साथ शादी कब होगी, मेरा किसी के भी साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कब होगा, तो एक साल। और आई थिंक यू गॉट द पॉइंट, राइट। अब देखिए कई बार एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, मैं टैरो रीडर हूँ और मैं आपको वो मैसेजेस देती हूँ जो यूनिवर्स से मुझे मिलते हैं या फिर जो मेरा इंट्यूशन बताता है, जो हमारे टैरो कार्ड्स बताते हैं। और टेक ओनली वॉट रेजनेट्स, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बिकॉज उसी चीज़ से मोटिवेशन मिलता है, राइट, आगे वीडियोस बनाने के लिए। अब मैं आपको साइंस बताती हूँ यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं और फिर हम अल्फाबेट्स देखेंगे, ओके। तो वर्गोस, यहाँ पे आपकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है, तो हो सकता है आपके पर्सन भी वर्गो हों, कन्या राशि। और उसके बाद जो स्ट्रांग एनर्जी यहाँ पे दिख रही है,
वो लिब्रा की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब कि यहाँ पे तुला राशि है, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे पेंटिकल्स हैं तो यहाँ पे वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी अगेन हमें बहुत ही स्ट्रांगली दिख रही है, मतलब यहाँ पे कन्या राशि है, वृषभ राशि है और मकर राशि है, उसके बाद यहाँ पे फायर स्ट्रांग है, तो यहाँ पे एरीज, लियो और सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब कि यहाँ पे मेष राशि है, सिंह राशि है और धनु राशि है। ओके, अब हम अल्फाबेट देखते हैं। इस अल्फाबेट में आपको आपका नाम मिल सकता है, आपके पर्सन का नाम मिल सकता है, वो एक फर्दर कंफर्मेशन होगा कि ये रीडिंग आपकी है, या फिर आपको अल्फाबेट्स, सिर्फ अल्फाबेट्स भी मिल सकते हैं, आप पूरा नाम भी मिल सकता है। वी हैव द लेटर ई एंड वी एंड टी पी ओ आई एस बी के टी आई आई फिर से आया है टी ए ओ एंड ई। ओके, तो ये सारे लेटर्स हैं वर्गोस, और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।